जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सीनियर सिटीजन हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। छोटी बड़ी बात, इधर उधर का मामला, इधर उधर की तकलीफें, इधर उधर की बातें, ये सब के लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या बैंक किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सभी जानकारी यहीं मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो वीडियो पूरा देखना। बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका अकाउंट है या नहीं है, वीडियो पूरा ही देखना, और पूरा देखने के बाद अगर बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी बैंक वाले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब मत करना, ठीक है, लेकिन वीडियो पूरा देखना। हाँ, मैं आपको बता दूँ, पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट आ गया है दोस्तों, और इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया ने नई स्कीम भी चालू की है। पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्म किस तरह भरना है वो मैं बता दूँ। उससे पहले आप लोगों को बता दूँ एक बार कि आप लोगों ने अगर मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। जी हाँ, पेंशनर के लिए खुशखबरी। इसमें क्या है, आपको मैं बताया हूँ कि बैंक वाले आपके घर आएंगे। जी हाँ, बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो बैंक वाले आपके घर आएंगे, लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म आपको अटेस्ट करवाएंगे। आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे करना है, क्या करना है, बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, ये अभी फ्री स्कीम चल रही है। अभी ऐसे 85 रुपीज़ चार्ज लगता है, लेकिन अभी फ्री है 31 मार्च तक। तो आप लोग इसका लाभ जरूर उठाएं, बैंक ऑफ इंडिया के जाइए, ये वाला वीडियो मेरा जरूर देखिए और आपको मजा आएगा। फिलहाल हम बात करते हैं फॉर्म कैसे भरें। और हाँ, वो वाला वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको ये वाला वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये वाला वीडियो देख लीजिए, आए गए हो तो वीडियो पूरा देख लीजिए। सबसे पहले फॉर्म कैसे भरते हैं वो देख लेते हैं। तो ये बैंक ऑफ इंडिया का लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म है, लेटेस्ट फॉर्म है दोस्तों। अब यहाँ पे किस तरह भरना है देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। आपके आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सर्टिफाइड डेस्क श्री ऑब्लिक श्रीमती, तो यहाँ पे आपको आपका पूरा नाम लिखना है, ठीक है। अगर आप पेंशनर हैं तो आपका लिखना है, अगर आपकी पत्नी या पति पेंशनर थे तो भी आपका ही नाम लिखना है, उसका पीपीओ नंबर लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, आधार नंबर ऑफ द पेंशनर, आपका पेंशन आपका आधार नंबर लिखना है, आपका पैन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, और अगर ईमेल आईडी है तो वो भी लिखना है। इतनी डिटेल ये फर्स्ट कॉलम में लिखना है, बैंक ऑफ इंडिया के आप पेंशनर हैं तो, बैंक ऑफ इंडिया में आपका पेंशन अकाउंट है तो बस हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर करने के बाद तारीख डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपका नाम लिखना है, यहाँ पे बैंक अधिकारी अपना नाम लिखेंगे, और उसके बाद बैंक अधिकारी अपना पीएफ नंबर यहाँ पे लिखेंगे, उनका कोई पीएफ नंबर ऐसा होता होगा। उसके बाद बैंक अधिकारी ही लिखना होता है यहाँ पे पेंशनर का नाम, लेकिन आप अगर लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपीओ नंबर, पेंशन अकाउंट नंबर भी बैंक अधिकारी को ही लिखना होता है, लेकिन आप अपना लिख दोगे कोई प्रॉब्लम, अपने हाथों से लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आपकी ब्रांच कौन सी है वो लिखना है, और यहाँ पे कोड लिखना है, ब्रांच का कोड। देखिए दोस्तों, ये फॉर्म भर रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा फॉर्म भरना होता है, उससे अच्छा जो मैंने आपको वीडियो बताया है आप जाकर उधर देखिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही, ये वीडियो पूरा देख लीजिए, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। और यहाँ पे आइए, नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक रीएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। अगर आपने किसी और गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया हुआ है, स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो लोग रिटायर होने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब दूसरी ढूंढ के करते हैं, या दूसरी जगह फॉरेन में जाकर करते हैं, कुछ सीनियर सिटीजन भी करते हैं, या फिर डिफेंस वाले, मैक्सिमम डिफेंस वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर अगर जॉब करते हैं तो टिक कर दीजिए, अगर जॉब नहीं करते तो इधर टिक कीजिए, और अगर फॉरेन में सर्विस करते हैं या फॉरेन में कोई आपका कॉन्टैक्ट है तो इधर क्लिक कीजिए, इधर सिग्नेचर कीजिए, आपका नाम लिखिए, पीपीओ नंबर, तारीख और प्लेस जिस जगह रहते हैं आप वो कीजिए। यह आता है नॉन मैरिज सर्टिफिकेट, ये स्पेशली उनके लिए है जिनके पति या पत्नी सर्विस पे गवर्नमेंट जॉब में थे और उनकी डेथ हो गई है, उनको ये फॉर्म भरना होता है। तो आप अगर है ऐसे तो ये भरिए, यहाँ पे हस्ताक्षर कीजिए और इस और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे डिटेल तो ऊपर भरी दी गई है, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है, नाम लिखना है, पीपीओ नंबर और तारीख लिखनी है, और शहर का नाम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ये रिसिप्ट है, एक्नोलॉजमेंट है, ये सही सिक्का लगाकर बैंक वाले आपको रिटर्न कर देंगे। ये सब इतनी कार्रवाई नहीं करनी हो, आपके घर बैठे ही सब कुछ हो जाए। ये फॉर्म भरने के लिए आपको बैंक तो जाना पड़ेगा, बैंक न जाना पड़े उसके लिए मैंने वीडियो बनाया जो कि आपको बताया हुआ था। जाइए, ज़रूर देखिए, मज़ा आएगा। फिलहाल इतना ही, जय हिंद।